चौथे अक्टूबर पितृ पक्ष का आखिरी दिन सर पितृ अमावस्या शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण का बना दिव्य और दुर्लभ सहयोग एक दीपक पितृ दोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति हो जाओगे माला माल राथी राथी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सर पितृ अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस दिन सभी पितरों का किया जाता है पितृ अमावस्या यानी कि अश्विन माह की अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है इस दिन सभी पितर वापस पितृ को चले जाते हैं इसलिए यह पितरों को प्रसन्न कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है इस दिन पितरों के नाम से अगर एक दीपक आप घर में इस जगह देते हैं तो निश्चित ही आपके पितर प्रसन्न होकर वापस को चले जाएंगे और आपके सभी कष्ट, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाएगा दोस्तों इस बार सित्र अमावस्या शनिवार के दिन है शनिवार के दिन जब अमावस्या आती है तो शनि अमावस्या का संयोग बनता है इसलिए इस सर अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है ग्रहण काल के दौरान जब भी पित्रों के निमित्त कोई भी शाद तर्पण किए जाते हैं दीप दान किया जाता है तो उससे पित्रों को जल्द ही तृप्ति मिलती है जल्द ही पित्र प्रसन्न होते हैं। इस बार ग्रह नक्षत्रों के भी अद्भुत संयोग इस सर्वपित्र अमावस्या पर बनने से इसका महत्व कई लाख गुना अधिक बढ़ गया है ऐसा दिव्य दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद आया है इसलिए इस दिन का लाभ अवश्य ही उठाए और इस दिन पितरों के नाम से एक दीप जरू पक्ष जरूर जलाए तिथि के अनुसार पितरों का शाह तर्पण किया जाता है लेकिन अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का शाह तर्पण किया जाता है जिन पितरों की श्रा तिथि मालूम ना हो या फिर जिनका श्राध आप पितृपक्ष में करना भूल गए हो उन सभी पित्रों का श्राद्ध आप इस दिन कर सकते हैं आप सभी पित्रों का एक साथ इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं इस दिन पित्रों का श्राद्ध करने से उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है का मतलब है पित्रों को श्रद्धा पूर्वक कुछ भी अर्पित करना वही श्राद्ध कहलाता है इसलिए इस दिन अपने पित्रों की आत्मा की शांति के लिए पितरों के नाम से दीपदान अवश्य करें साथ ही पितरों के नाम से दान भी जरूर करना चाहिए वैसे तो आप अन्न वस्त्र इत्यादि अपनी मर्जी से कुछ भी दान कर सकते हैं लेकिन दान की वस्तुओं में काले तिल अवश्य ही डालें या फिर सिर्फ आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं काले तिल का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है और इससे पितृ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं इस दिन शनि अमावस्या भी है अगर इस दिन काले तिल का आप दान करते हैं तो आपको शनि दोषों से भी मुक्ति मिल जाएगी हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रा करना बेहद जरूरी माना जाता है मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक और नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकते रहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए पितृ सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक है पित्रों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पित्रों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें माना जाता है कि जिस घर के पित्र अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें दोष का श्राप मिलता है माना जाता है कि जिस घर में दोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है बिगड़े कार्य बनने लगते हैं साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है खुशहाली और शांति बनी रहती है इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए दोस्तों वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि यह सोलह दिन पितरों को समर्पित होते हैं लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णा पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है इस उपाय को सुबह या दोपहर तो के समय ना करें उपाय करने के लिए अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर थोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें इसके बाद एक दिया तैयार करें दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ मड़ा होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बन रहा है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहाँ पर इस दिए को रखें अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें लेकिन ध्यान रखें दिए को आपको ऐसे ही रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें सीधे जमीन पर दिया ना रखें सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें भगवान जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें इसके बाद पितरों से दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें इसके बाद अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का ग्यारह बार जाप करें मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव देव के इस मंत्र का 108 सौ बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम पित्र देवताय नमः ओम पित्र देवताय नम इस मंत्र का आपको 108 सौ बार जाप करना है आप किसी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखें इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना है शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है इस दिशा में पितरों का वास होता है श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पित्रों को अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें महिलाएं पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें इस उपाय को जरूरी नहीं है परिवार का कोई एक सदस्य ही रोजाना करे इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें इस उपाय को घर की बेटियां बहुएं भी कर सकती हैं इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें पितृपक्ष में प्याज लहसुन मीट अंडा तमाकू सिगरेट शराब इत्यादि चीजों का भूल कर भी सेवन ना करें और यह दिया आप अपने घर पर ही चलाएं। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना चलाएं यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए बाल नहीं काटने चाहिए दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए पितृपक्ष में गायों ब्राह्मणों कुत्तों चीटियों बिल्लियों को भोजन अवश्य ही कराना चाहें पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसादन की चीज लगाने से बचें पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें प्रेम से रहें किसी की निंदा ना करें किसी की चुगली ना करें पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे